welcome to Captain Agro, friends. हेलो गाइज, वेलकम टू कैप्टन एग्रो. गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है ऑलेरिकल्चर है और हमारी ये क्लास सेकंड है. हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर पोमोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है. पोमोलॉजी में हमने करीबन 13 फ्रूट पढ़े हैं. उसके बाद उनका एक मॉडल पेपर भी हमने सॉल्व किया है. आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए मॉडल पेपर में और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. गाइज, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऑलेरिकल्चर. ऑलेरिकल्चर की हमारी ये क्लास सेकंड है. इससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन जो वीडियो लेक्चर है वो पहले अपलोड हो चुका है. अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑलेरिकल्चर क्या होता है, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है. आपके BHU, ICAR, यूपीकेटेड, जेट, MPPET जो एग्जाम है इनके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. यहाँ पर बिल्कुल एक एक वेजिटेबल को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, मॉडल पेपर सोल्व करेंगे. लेकिन पहले हम ये हमारी जो सेकंड क्लास है इसमें बिल्कुल ओवरव्यू हम यहाँ पर देखने वाले हैं सभी सब्जियों का. करीबन 17 सब्जियाँ हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ. इस टेबल के जरिए करीबन हमारा 30% जो सिलेबस है ऑलेरिकल्चर का उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे. क्योंकि अधिकतर जो आपका क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम्स के अंदर वो इसी टेबल से पुटअप होता है भाई, है ना. तो आप इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल अच्छे से समझें. अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. तो चलिए भाई, फटाफट सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट पढ़ सके. चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं. नोटबुक लेकर अगर आप नहीं बैठे हुए हो तो नोटबुक लेकर बैठे, नोट करते हुए चले. अब सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल में क्या क्या बात करेंगे. सबसे पहले हम कॉमन नेम देखेंगे. कॉमन नेम को हिंदी में बोलते हैं सामान्य नाम. क्या बोलते हैं भाई? सामान्य नाम. देखो, मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने वाला हूँ क्योंकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी है और हिंदी वाले भी है. बॉटनिकल नेम को हम बोलते हैं वानस्पतिक नेम, वानस्पतिक नाम. और जो फैमिली है इसको कुल या परिवार बोलते हैं, कुल या परिवार. और क्रोमोसोम नंबर को हम गुणसूत्र संख्या बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुणसूत्र संख्या. और ओरिजिन को हम बोलते हैं उत्पत्ति स्थल. क्या बोलते हैं भाई? उत्पत्ति. उत्पत्ति स्थल की कहाँ से इसका ओरिजिन है, उत्पत्ति कहाँ से है. तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इधर मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स लिखी हुई है इनके बॉटनिकल नेम, ठीक है. बॉटनिकल नेम अगर आप लोगों को दिक्कत आती है याद करने में तो अब आपको दिक्कत नहीं आएगी. देखो मेरे साथ बोलो एक बार, है ना, आपको सब याद हो जाएगा ईजी वे में. टोमेटो, टमाटर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम. क्या होता है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम टमाटर का बॉटनिकल नेम हो गया. ब्रिंजल, ब्रिंजल का क्या होता है भाई? ब्रिंजल का होता है सोलेनम मेलियोनजाना. क्या होता है? सोलेनम मेलियोनजाना. बिल्कुल आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आपको फैमिली भी याद होगी और बॉटनिकल नाम भी याद होगा. तो क्या हो गया भाई? सोलेनम मेलियोनजाना. आप मेरे साथ में बोलते हुए चले ताकि बिल्कुल अच्छे से याद होगा. चिली, चिली को क्या बोलते हैं हिंदी में? मिर्च बोलते हैं. और इसका क्या है? कैप्सिकम एनन. क्या है भाई? कैप्सिकम एनन है. कॉलीफ्लावर, केबेज और नॉल, इनमें आपको ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. आगे क्या लगाना है? ब्रेसिका ओलेरेसिया लगाना है. क्या लगाना है? ब्रेसिका ओलेरेसिया. और फूल गोभी में आपकी जो वेराइटी है ब्रेसिका ब्रोस्टाइटिस है. और यहाँ पर जो पत्ता गोभी है इसका होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया केपिटाटा. और इसका होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया कोलरापा. मतलब आगे तो ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका ओलेरेसिया, पीछे हमें चेंज करना है. अभी मैं आपको नोट करवाऊंगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओकरा, भिंडी, लेडी फिंगर, ठीक है. और लेडी फिंगर का क्या है? एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस. क्या है भाई? एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस है. आप मेरे साथ में बोलते हुए चले, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है. केरट, केरट क्या होता है भाई? डेकस केरोटा होता है. क्या होता है? मेरे साथ बोलो, डेकस केरोटा. इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नाम है. आगे बढ़ते हैं भाई. मूली, मूली क्या होता है भाई? रेफेनस सेटाइवस होता है, रेडिस, रेफेनस सेटाइवस. स्पिंच, बीटा वल्गेरिस, ठीक है. क्या होता है इसका? बीटा वल्गेरिस होता है. गार्लिक, लहसुन. और इसका क्या होता है? एलियम सेटाइवम होता है. और अनियन, प्याज, एलियम सेपा होता है. तो ऐसे यहाँ पर हम 17 वेजिटेबल्स जो है उनके बॉटनिकल नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं. उसके बाद फैमिली यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्रोमोसोम नंबर यहाँ से याद करेंगे, ओरिजिन हम यहाँ से याद करेंगे. तो चलिए भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं टमाटर की. टमाटर का बॉटनिकल नाम है लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, एस्कुलेंटम. एक और बॉटनिकल नेम होता है, दूसरा बॉटनिकल नेम क्या है? एस्कुलेंटम सोलेनम भी हम इसको बोलते हैं. और इसकी जो परिवार है, जो फैमिली है, वो है सोलेनेसी. क्या है भाई? इसका परिवार सोलेनेसी है. कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू कमेंट करते रहे. क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2N = 24. और इसका जो ओरिजन है, उत्पत्ति स्थान है, वो है पेरू, मेक्सिको.
क्या है? पेरू, मेक्सिको। अगर आपको ऑप्शन में मेक्सिको मिले तो आप मेक्सिको लगा दोगे, और अगर आपको पेरू मिले तो आप पेरू लगा दोगे। तो ये हो गया हमारा भाई यहाँ पर टमाटर। साथ में एक बार रिवाइज करते हुए चले, अच्छे से पढ़ते हुए चले। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम इसका बॉटनिकल नेम, सोलेनेसी इसका परिवार हो गया। 2N=24 क्रोमोसोम नंबर, पेरू, मेक्सिको इसका क्या हो गया? ऑरिजन हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ब्रिंजल बैंगन, और बैंगन का क्या होता है? सोलेनम मेलियन जाना होता है। सोलेनम मेलियन जाना इसका क्या हो गया भाई? बॉटनिकल नेम हो गया। इसका जो परिवार होता है वो भी सोलेनेसी होता है। सोलेनेसी, देखो अगर आपको परिवार, फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ऑरिजन, बॉटनिकल नेम याद करने में दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल अच्छे से अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखें, बिल्कुल इजी वे में आपको याद हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2N=24 होते हैं, और इसका जो ऑरिजन है इंडिया है। क्या है भाई ऑरिजन? इंडिया। ये आपके जेट के एग्जाम में पूछा गया है, जेट के एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि बैंगन का उत्पत्ति स्थान बताओ, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। टमाटर का पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? पेरू, मेक्सिको बताओगे। चिली क्या होता है भाई? कैप्सिकम एनन होता है। फैमिली, इसकी भी फैमिली सोलेनेसी होती है, सोलेनेसी, और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 2N=24 होते हैं। कितने होते हैं? 2N=24 होते हैं। बात करें ओरिजन की तो ओरिजन है इसका मेक्सिको। चिली का ओरिजन क्या है? मेक्सिको है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया, और वेराइटी हमारे पास है ब्रॉस ट्राइटिस, और इसका जो परिवार है वो है क्रूसीफेरी। फैमिली क्या है भाई इसकी? क्रूसीफेरी है, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 2N=18 होते हैं। कितने होते हैं? 2N=18 होते हैं। ऑरिजन है इसका ईस्ट मेडिटेरियन या भूमध्य सागर है, ठीक है, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन। इसका क्या हो गया भाई? ऑरिजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली सब्जी आती है केबेज, पत्ता गोभी, ठीक है, और पत्ता गोभी का भी क्या होता है? ब्रेसिका ओलेरेसिया, और यहां पर जो वेराइटी है वो क्या हो जाएगी? केपी टाटा। भाई इस पे फोकस करना मेन, ठीक है, पीछे वाला जो नाम है उसी पे फोकस करना है। ब्रेसिका ओलेरेसिया आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा। इसका परिवार भी क्या होगा भाई? क्रूसीफेरी। इसका परिवार भी क्या हो जाएगा? क्रूसीफेरी हो जाएगा। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो भी कितने होते हैं? 2N=18 होते हैं, और इसका जो ओरिजन है इसका ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, सेम यही होगा इसका भी ओरिजन, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन। आगे बढ़ते हैं। नॉल, इसको हिंदी में गांठ गोभी बोलते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया, और वेराइटी होती है इसकी कॉलरापा। इसका परिवार भी क्रूसीफेरी, और जो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो भी 2N=18 होते हैं। कितने होते हैं? 2N=18 होते हैं, और इसका जो ओरिजन है नॉर्थ यूरोप। देखो आप साथ में याद करते हुए चले, बहुत इजी है। इजी कैसे हैं? देखो अभी मैंने आपको ऊपर जो टमाटर, ब्रिंजल, चिली, मतलब टमाटर, बैंगन, चिली, इनके बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, सोलेनम मेलियोंजाना, कैप्सिकम एनन। अब यहाँ पर फैमिली में तो आपको कुछ याद नहीं करना पड़ रहा, बस सोलेनेसी याद रखो, तीनों की फैमिली सोलेनेसी है। और क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें तो 2N=24 सेम है। ऑरिजन आपको देखना है टमाटर का पेरू, और बैंगन का इंडिया, इसके बाद में हमारे पास क्या है यहाँ पर? मिर्ची, और इसका मेक्सिको है मिर्ची का। देखो मिर्ची का कैसे याद रखोगे? मिर्च एम से लिखते हैं, और यहाँ पर इसका जो ओरिजन भी है ना वो क्या है? मिर्च है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हमने कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया, वेराइटी अलग अलग है, फैमिली एक जैसी है, क्रोमोसोम नंबर एक जैसे हैं, दोनों का ओरिजन सेम है, बट जो हमारे पास नॉल है इसका ओरिजन है नॉर्थ यूरोप। अब देखो यहाँ पर ये आपके जेट के सिलेबस में नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि साथ में अगर आप इसको दोनों के साथ में याद कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, तो आप इसको भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंडी क्या होता है? एब्ला मोस्कस एस्कुलेंटस, एब्ला
मॉस्कस, एस्कुलेंटस, एस्कुलेंटम या एस्कुलेंटस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हम यहां पर हम बात करें इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली है मालवेसी। फैमिली कौन है भाई इसकी? मालवेसी है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर किस सब्जी के होते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? भिंडी हो जाएगा। कितने होते हैं? 2n = 130 होते हैं। कितने होते हैं? 2n = 130 होते हैं। स्टार लगा लेना भाई इस पर, है ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑरिजन है इसका अफ्रीका। ऑरिजन क्या है? अफ्रीका है। भिंडी का ऑरिजन अफ्रीका। गाजर, गाजर क्या होता है? डेकस केरोटा, डेकस केरोटा। और डेकस केरोटा जो है इसकी जो फैमिली है वो है अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 18, 2n = 18। आप देखो 18 18 किसके हो गए? चार के हो गए। एक तो ब्रेसिका ऑलरेसिया, ब्रेसिका ऑलरेसिया, ब्रेसिका ऑलरेसिया, और यहां पर हमारे पास एक और कौन आ गया? गाजर आ गया। इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन है यूरोप। यूरोप क्या है इसका? उत्पत्ति स्थान है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप नोट करते हुए चले, फोकस करें, बिल्कुल साथ में याद करते हुए चले, तभी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। रेडिस मूली, रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस इसका बोटनिकल नेम हो गया। और इसकी जो फैमिली है वो क्या है भाई? क्रूसीफेरी है। क्रूसीफेरी इसकी क्या है? फैमिली। अब देखो क्रूसीफेरी चार सब्जियों की फैमिली हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। क्रूसीफेरी इसमें 2n = 18 होते हैं। कितने होते हैं? 2n = 18। तो गाजर और मूली दोनों के क्रोमोसोम नंबर सेम है, फैमिली अलग अलग है। ओरिजन है इसका, मूली का ओरिजन यूरोप है। क्या है? यूरोप। कहीं किताबों में आपको सेंट्रल एशिया भी मिल जाएगा, तो भाई इस पर थोड़ा सा स्टार लगा के याद रख लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पिंच जो पालक होता है, इसके दो बोटनिकल नेम होते हैं, एक तो रेफेनस, एक दो बोटनिकल नेम होते हैं सॉरी एक तो होता है स्पिनेसिया ऑलरेसिया। स्पिनेसिया ऑलरेसिया विलायती पालक होता है। स्पिनेसिया ऑलरेसिया, और ये होता है विलायती पालक, विलायती पालक। और जो हमारा देसी पालक आता है उसका होता है बीटा वल्गेरिस, बीटा वल्गेरिस। बीटा वल्गेरिस की जो फैमिली है वो है चीनोपोडियसी, चीनोपोडियसी। इसका परिवार क्या हो जाएगा भाई? चीनोपोडियसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 2n = 12, 2n = कितने होते हैं? 12 होते हैं। और इसका जो ओरिजिन है वो है साउथ वेस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया। साथ में नोट करते हुए चले, याद करते हुए चले। आगे बढ़ते हैं। लहसुन की बात करते हैं। लहसुन होता है एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। इसका जो परिवार है वो लिलियसी है, लिलियसी। और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 16, 2n = 16। और इसका जो ओरिजिन है वो है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। आगे हम बात करें अनियन की, प्याज की। इसका है एलियम सेपा, एलियम सेपा। और इसकी जो फैमिली है, फैमिली भी लिलियसी है, लिलियसी। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है 2n = 16 है। और ओरिजिन भी इसका क्या है? सेंट्रल एशिया है। तो देखो यहाँ पर हमने बिल्कुल इजी वे में आसानी से इस टेबल को लर्न कर लिया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बार चलिए वापस से इसको रिवाइज करते हैं ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं बात करूँ टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसका बोटनिकल नेम, फैमिली सोलेनेसी, 2n = 24, पेरू, मेक्सिको और इंडिया। और इंडिया इसका दूसरी का, बैंगन का ओरिजिन क्या है भाई? इंडिया है, ठीक है। मिर्च का ओरिजिन क्या है हमारे पास? मेक्सिको है। कैप्सिकम एनन बोटनिकल नेम है, सोलेना मेलुंजाना इसका बोटनिकल नेम है, बैंगन का। यहाँ पर जो फैमिली है, परिवार है, वो तीनों का सेम है भाई, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन तीनों को अलग तरीके से याद रख सकते हो, टमाटर मिर्च और बैंगन, टमाटर मिर्च बैंगन। इनकी दोनों चीज़ें, दो चीज़ें बिल्कुल सेम है, एक तो गुणसूत्र संख्या और दूसरा परिवार, दोनों एक जैसे हैं। हमें यहाँ पर क्या याद करना पड़ रहा है? हमें सिर्फ बॉटनिकल नेम और ओरिजिन याद करना पड़ रहा है, जिसमें भी हमारे पास मिर्च और टमाटर का जो ओरिजिन है वो सेम है,
मिर्च और टमाटर का ओरिजिन सेम है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ बैंगन का याद रखना पड़ रहा है, बैंगन का ओरिजिन क्या है, इंडिया है। बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम तो टमाटर का हो जाएगा और सोलेनम मेलियोनजाना बैंगन का हो जाएगा। बैंगन को एग प्लांट भी बोलते हैं, बैंगन को क्या बोलते हैं, एग प्लांट। अब देखो और भी क्वेश्चन आपके यहाँ से पुटअप होते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आपके पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है भाई, कमेंट करें जल्दी से। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर मिर्च। अब मिर्च में भी आपके दो चीज़ें पूछी जाती है, एक तो पूछा जाता है कि मिर्च में लाल रंग का कारण, मिर्च में किसका कारण, लाल रंग का कारण। तो लाल रंग तो होता है कैप्सेसिन की वजह से, कैप्सेसिन की वजह से। भाई थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। और मैं बात करूं तीखापन, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो यह होता है कैप्सेथिन के, सॉरी ये उल्टा है, यहां पर जो इसका लाल रंग होता है कैप्सेथिन, कैप्सेथिन, ठीक है ना, थिन मतलब तीखापन का उल्टा लाल रंग, और जो तीखापन होता है यह होता है कैप्सेसिन से, कैप्सेसिन से। दोनों वर्णक पाए जाते हैं मिर्च में, दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना आप, इनको नोट कर लेना अपने रजिस्टर के टॉप के ऊपर कि मिर्च में जो लाल रंग होता है और कैप्सेथिन की वजह से होता है, और जो तीखापन होता है वो कैप्सेसिन की वजह से होता है। फैमिली हमारी सोलेनेसी हो गई। आगे बढ़ते हैं, फूल गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, इसकी वेराइटी ब्रोस्ट्राइटिस है, क्रूसीफेरी इसका परिवार है। अब यहाँ पर देखो इनमें भी हमें दो चीज़ें बिल्कुल सेम मिल रही है, एक तो परिवार हो गया और दूसरा हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हो गया, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। बाकी बॉटनिकल नेम भी सेम है, इसके सिर्फ वेराइटी चेंज है। वेराइटी में ब्रोस्टाइटिस तो आपको किसका याद रखना है, फूल गोभी का याद रखना है, कैपिटाटा आपको पत्ता गोभी का याद रखना है, और गांठ गोभी का कोलराटा आपको याद रखना है। ओरिजन दोनों का सेम, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, ईस्ट मेडिटेरियन रीजन, और नॉल का नॉल नॉर्थ यूरोप, नॉल नॉर्थ यूरोप, ठीक है। आगे बढ़ते भाई, भिंडी ओकरा, भिंडी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्रोमोसोम नंबर किस में पाए जाते हैं, तो एब्लामोस्कस एस्कुलेंटस में पाए जाते हैं। परिवार मालवेसी है, क्रोमोसोम नंबर 2n = 130 और ओरिजन है अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं कैरेट डेकस केरोटा। अब जो डेकस केरोटा है इससे भी आपके दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पुटअप होता है कि लाल रंग किसके कारण होता है डेकस में, ठीक है, केरोटा मतलब गाजर में। तो लाल रंग तो होता है इसमें एंथोसाइनिन की वजह से, और पीला रंग होता है केरोटीन की वजह से। भाई याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीला रंग तो किसकी वजह से होगा, पीला रंग केरोटीन की वजह से, केरोटीन, और जो लाल रंग होगा वो किसकी वजह से होगा, एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन, जैसे सेब में लाल रंग होता है किसकी वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से। पीला रंग किसकी वजह से होता है, केरोटीन की वजह से। ये मैंने वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, एक वीडियो जिसमें आपको सारे पिगमेंट बताए हुए हैं कि कौन कौन से पिगमेंट हैं, उनकी वजह से क्या क्या होता है, तो आप उस वीडियो को देख ले, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आपके यहां से ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी ना छूटे। इसकी जो फैमिली है डेकस केरोटा की, अम्बेली फेरी है, और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर देखो आपके पास गाजर और मूली दोनों के सेम है, 2n = 18 2n = 18। ओरिजन भी हमारे पास सेम है, यूरोप यूरोप। यहाँ पर हमें याद क्या करना पड़ रहा है, एक तो फैमिली देख रहे हैं और क्रूसीफेरी, और क्रूसीफेरी आप किसके साथ याद कर सकते हो, ब्रेसिका के साथ याद कर सकते हो, मूली गोभी, ठीक है ना। रेफरेंस सेटाइवस मूली का बोटनिकल नेम, और डेकस केरोटा गाजर का बोटनिकल नेम। आगे हम बात करें स्पिंच पालक, तो दो बोटनिकल नेम है, विलायती पालक हमारे पास होता है, स्पेनेसिया ओलेरेसिया, और बीटा वल्गेरिस देसी पालक होता है। चीनोपोडियसी इसका परिवार हो गया, क्रोमोसोम नंबर 2n = 12 हो गया, साउथ वेस्ट एशिया इसका ओरिजिन है। आगे हमारे पास लहसुन और प्याज बजा गार्लिक, ठीक है, और गार्लिक एलियम सेटाइवम, और प्याज जो होता है एलियम सेपा होता है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैमिली लीलियसी लीलियसी, और क्रोमोसोम नंबर भी सेम है, 2n = 16 16। आप देखो इसमें तो आपके पास तीनों सेम मिल रहे हैं, एक तो ओरिजिन आपको सेम मिल रहा है, फैमिली आपको सेम मिल रही है, क्रोमोसोम नंबर सेम मिल रहे हैं, आपको सिर्फ बॉटनिकल नेम अलग से याद करना है। तो अब तक हमने 12 वेजिटेबल को यहाँ पर देख लिया, 12 वेजिटेबल का बेसिक इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर ले, 5 और वेजिटेबल हैं जिसको अभी हम इस टेबल के माध्यम से देख लेंगे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए भाई फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। भाई रफ कर देता हूं मैं इसको, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप। गाइस कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो, आप मुझे कंटिन्यू कमेंट करते रहे और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर करते रहे,
आप सभी स्टूडेंटों को सेशन को शेयर करें, आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया जो भी आप चलाते हो, फेसबुक, सब पे आप शेयर करें। साथ में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स, कुछ लेटेस्ट अपडेट एग्रीकल्चर के डालते रहते हैं। इसके अलावा आपको फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट आपको बताए जाते हैं, तो आप उन दोनों पर फॉलो जरूर कर लें, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउंड गार्ड क्या होता है? टिड्डा होता है, टिंडा, जिसको हम टिंडा बोलते हैं, ठीक है। इसका बोटनिकल नेम होता है सिट्रलस वल्गेरस। क्या होता है? सिट्रलस वल्गेरस इसका बॉटनिकल नेम। इसका जो परिवार है कुकुरबिटेसी है, देखो आप जो भी पढ़ाऊंगा ना उनके परिवार एक जैसे ही होंगे, ठीक है कुकुरबिटेसी इसका क्या हो गया? परिवार हो गया। क्रोमोसोम नंबर छोड़ने आपको इसके, और ओरिजिन जो है इसका ट्रॉपिकल एशिया ओरिजिन माना जाता है, ट्रॉपिकल एशिया। आगे बढ़ते हैं, अगली वेजिटेबल आती है बिटर गार्ड। और जो बिटर गार्ड है इसका बोटनिकल नाम है मेमोर्डिका चेरेंटिया। देखो बिटर गार्ड क्या होता है? करेला होता है, कड़वा करेला। और इसका बोटनिकल नाम मेमोर्डिका चेरेंटिया। इसका क्या हो गया? बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नेम हो गया। फैमिली हमारे पास कुकुरबिटेसी हो गई। और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 22। कितने होते हैं? 22। इसका जो ओरिजन है इसका ट्रॉपिकल एशिया। इसका क्या हो जाएगा? ओरिजन हो गया। राउंड गार्ड टिड्डा हो गया, बिटर गार्ड करेला हो गया, सिट्रलस वल्गेरिस राउंड गार्ड का बोटनिकल नेम है, और मेमोर्डिका चेरेंटिया करेला का है। भाई फोकस करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, राउंड हो गया, बिटर हो गया, अब आता है अगला हमारे पास बोटल गार्ड। क्या होता है? भाई लौकी होती है। और इसका बोटनिकल नाम लेजेनेरिया सिसेसिया है। बोटनिकल नेम क्या है? लेजेनेरिया सिसेसिया है। फैमिली क्या है? कुकुरबिटेसी है। क्रोमोसोम नंबर 2n = 20 होते हैं। और इसका जो ओरिजन है वो है अफ्रीका। क्या है ओरिजन? अफ्रीका है। और इंडिया भी माना जाता है और अफ्रीका भी माना जाता है। अगली सब्जी आती है हमारे पास यहाँ पर, राउंड गार्ड, बिटर गार्ड, बोटल गार्ड, और अगला आता है रिज गार्ड। और इसको स्पॉन्जी गार्ड भी बोलते हैं। स्पॉन्जी गार्ड क्या होता है? भाई ये होता है तुरई, जैसे लौकी होती है ना वैसे ही होता है, लेकिन इसके ऊपर लाइनें बनी होती है इस तरीके से, ठीक है। लाइनें जिस पर बनी होती है वो तुरई होता है, और जिस पर लाइनें नहीं बनी होती है वो क्या होता है? भाई लौकी होता है। इसका बोटनिकल नेम होता है हमारे पास यहाँ पर, बोटनिकल नेम लूफा सिंड्रिका। इसका क्या हो गया? बोटनिकल नेम, फैमिली कुकुरबिटेसी। और इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 26 होते हैं। ओरिजन है इसका अफ्रीका एंड इंडिया, दोनों इसका ओरिजन माना जाता है। तो हमारे गार्ड वाले हो गए, एक तो राउंड गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, बोटल गार्ड हो गया, रिज गार्ड हो गया। चारों इंपॉर्टेंट है, चारों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं इन चारों के बोटनिकल नेम में उल्टा सीधा कर देते हैं, तो हमें नहीं करना है। राउंड मतलब सिट्रलस वल्गेरस, जैसे सिट्रस होता है गोल, ठीक है। बिटर गार्ड मेमोर्डिका चेरेंटिया होता है, कड़वा होता है, ठीक है। बोटल गार्ड होता है लेजेनेरिया सिसेरिया, और रिज गार्ड होता है लूफा सिलेंड्रिका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैमिली कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 22 है, सिर्फ आपको स्पॉन्जी गार्ड के 26 याद रखने हैं, ओरिजन है इसका अफ्रीका। अगला आता है हमारे पास पंपकिन। और पंपकिन क्या होता है? भाई कद्दू होता है। क्या होता है पंपकिन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं। और इसका बोटनिकल नेम है कुकुरबिटा मोस चाटा। इसका क्या हो जाएगा? फैमिली हो जाएगी, सॉरी
बॉटनिकल नेम हो जाएगा फैमिली कुकुरबिटेसी है, और जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है 2N इज इक्वल टू 40 है। इसका ओरिजन है मेक्सिको, ओरिजन क्या है भाई मेक्सिको है। लास्ट हमारे पास आता है पी, मटर। क्या आता है भाई पी आता है, मटर आता है, मटर। इससे भी आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं बहुत सारे। मटर में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है भाई, याद रखना 42%, और इसका बोटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम। क्या है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम क्या हो जाएगा बोटनिकल नेम। अब देखो यहाँ पर कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी थी, तो यहाँ पर कुकुरबिटेसी नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी लेग्यूमिनेसी आएगी, लेग्यूमिनेसी, क्योंकि ये क्या है भाई दलहनी फसल है, और दलहनी फसलों का जो परिवार होता है वो क्या होता है लेग्यूमिनेसी होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2N इज इक्वल टू 14 होते हैं, और इसका जो ओरिजन है इथोपिया, इथोपिया या सेंट्रल एशिया माना जाता है। देखो ओरिजन आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके जो ओरिजन है, ओरिजन ओरिजन और क्रोमोसोम नंबर आपके जेट के सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्यों, क्योंकि आगे अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम की तैयारी करते हो, डबल AO की तैयारी करते हो, AO की तैयारी करते हो, या किसी भी अदर एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इनमें आपके ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसीलिए आप इनको थोड़ा ध्यान में रखें, अच्छे तरीके से इनको पढ़े, फोकस करें कि किसका ओरिजन क्या है, कई बार आपसे पूछा जाता है। क्रोमोसोम नंबर भी साथ में याद रखें। अब हमारी ये ओलेरिकल्चर की सेकेंड क्लास हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने इसका एक तरीके से ओवरव्यू देख लिया कि हम कौन कौन सी सब्जियां पढ़ेंगे, उनके बोटनिकल नेम क्या है, ओरिजिन क्या है, क्रोमोसोम नंबर क्या है, फैमिली क्या है। अब यहां पर हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे टोमेटो, क्या पढ़ेंगे भाई टमाटर पढ़ेंगे, और टमाटर को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम पढ़ेंगे, उसकी इंप्रूव्ड वेराइटीज देखेंगे, डिजीज देखेंगे, इंसेक्ट देखेंगे, वीड को कैसे कंट्रोल करेंगे, सीड रेट क्या होगी, उपज क्या होगी, सब कुछ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट एग्रीकल्चर के वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।